बंगाल में चुनाव है, बवाल ही बवाल है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि घाटी में आतंकी घटनाएं हो। ये सोचना होगा कि एक समाज के तौर पर हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, या तो ये सरकार अर्थव्यवस्था को चलाना और संभालना नहीं जानती है। गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं पर कोई लव जिहाद हुआ है। हर मौके पर लोगों ने साबित किया है कि जागरूकता पर खर्च होने वाला पैसा बेकार ही जाएगा। हमारे देश में मीडिया चैनल ही एक जरिया है जिससे हमें देश में चल रही खबरें जल्दी से मिल जाती हैं और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा भी देखने को मिलती है। आज के समय में खबर तो है पर चर्चा किन्हीं गिने चुने मुद्दों पर देखने को ही मिलती है। हम बात करेंगे अलग अलग मीडिया चैनल्स के एंकर की प्राथमिकता की कि किन मुद्दों के लिए है और किन मुद्दों के लिए नहीं है। पहले बात करते हैं आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की। उन्होंने अपनी डिबेट बंगाल के मुद्दे पर की। बंगाल में चुनाव है, बवाल ही बवाल है। बिहार के बाद देश की नजर टिक गई है पश्चिम बंगाल पर, जहां 2021 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले बंगाल की धरती सियासी हिंसा हत्या से लाल हो रही है। ताजा मामला कूच बिहार का है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल बचा। सवाल है कि क्या बंगाल में खून बहेगा, तभी राजनीतिक दलों को वोट मिलेगा। क्या बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसीलिए बवाल ही बवाल है। ये रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत। राजनीतिक हिंसा के बिसात पर बंगाल के चुनावों का खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। इधर बीजेपी अब की बार 200 पार का हुंकार भर रही है और ममता 22 नवंबर के बाद 600 रैलियां करेंगी। उनका मिशन है बंगाल को बीजेपी से बचाओ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में तनातनी तेज होती चली जा रही है। कूच बिहार में एक 55 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद करमोकर की हत्या के बाद विपक्ष ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर अपनी डिबेट की और लोगों को इस मुद्दे पर ना ध्यान देने से लेकर सरकार की कमियों पर बात की और तंज भी कसा। हम ऐसी अनगिनत तस्वीरों से गुजर चुके हैं जिसमें शामिल लोग या तो कोविड से अनजान हैं या जानकर भी लापरवाह। मुमकिन है इस भीड़ में पैरासीटामोल खाकर बीमारी छिपाने वाले भी होंगे। कईयों के लिए नाक के ऊपर मास्क पहनना नाक का सवाल हो गया है। नाक के नीचे मास्क पहनकर ऐसे घूमते हैं जैसे बैकडेट से अंग्रेजी हुकूमत ने राय बहादुर की उपाधि दी हो। हर मौके पर लोगों ने साबित किया है कि जागरूकता पर खर्च होने वाला पैसा बेकार ही जाएगा। कहीं कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं तो कहीं हो जा रहे हैं, कहीं रैली हो रही है तो कहीं छठ की मनाही है। महामारी सीरियस है, नहीं तो सरकारी फैसलों में मनोरंजन कम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने देह से दूरी का पालन ना करने और मास्क ना पहनने पर 24 करोड़ से अधिक की फाइन वसूल ली है, तब भी मास्क का अनुशासन नहीं दिखता। अब फैसला हुआ है कि जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी। न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन ने लव जिहाद का मुद्दा अपने डिबेट में उठाया और हाल ही में लव जिहाद से जुड़ी खबरों पर चर्चा की। और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर हम सबको मंथन और चिंतन करना होगा। ये सोचना होगा कि एक समाज के तौर पर हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आंखों में आंसू ला देने वाली खबर है और इस पर जागरूक होना बेहद जरूरी है। लड़की के घर वालों की जानकारी के बिना दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद पता चलता है कि साहिल सिंह का नाम का यह लड़का असल में साहिल खान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद पूरी तरह से पैर जमा चुका है और क्या इसे खत्म करने के लिए देश भर में एक कड़े कानून की आवश्यकता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लव जिहाद और धोखा। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी लव जिहाद के मुद्दे अपने शो में उठाया पर अभिसार ने इस मुद्दे पर सरकार का जवाब और बीजेपी द्वारा इस मुद्दे पर सक्रिय रहने को लेकर सवाल उठाए। लव जिहाद की जो परिभाषा है वो बहुत ही क्रूर परिभाषा है, यानी कि हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर दबाव डालकर उससे शादी करके उस पर अत्याचार होना, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश प्रशासन या सरकार तो सिर्फ 5 साल की सजा की बात कर रही है। अगर ये वाकई हकीकत है तो 5 साल नहीं, आपको ताउम्र उन्हें जेल में करना चाहिए भाई। मगर भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी कृष्ण रेड्डी से पूछा गया कि क्या केरल में लव जिहाद है, तो उनका जवाब इस खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं पर कोई लव जिहाद हुआ है।
यानी कि लव जिहाद नाम का शब्द गृह मंत्रालय के फाइल्स में है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में 14 कथित मामले आए थे लव जिहाद के, 7 मामलों की जांच की थी और उन 7 के 7 मामलों में लड़की अपनी रजामंदी से उसने शादी की थी। न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी डिबेट की। इस डिबेट में उन्होंने कश्मीर में हो रही हलचल पर भी बात की। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि घाटी में आतंकी घटनाएं हो, इसलिए उसकी नापाक हरकतें जारी है। यहां तक कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा तो सुनाई, लेकिन सजा कहीं कोई दिखावा भर तो नहीं। इस बीच सुबह जम्मू के नगरोटा में टोल नाके पर सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उन सभी ने यह मौका गंवा दिया और नतीजा 4 मेड इन चाइना हथियारों समेत भारत के जांबाज सुरक्षा बलों के निशाने पर आ गए और 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। इनका नापाक इरादा पुलवामा पार्ट 2 जैसा ही था। एनआईए भी जांच कर रही है। इधर दिल्ली में दबोचे गए जैश के 2 आतंकियों से भी पाकिस्तान का कनेक्शन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुए जैश के आतंकियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जिहाद, इस्लामिक स्टेट, आजाद कश्मीर और फ्रीडम नाम के कई ग्रुप बने हुए थे और ये लोग पाकिस्तानी नंबरों पर कॉल करते थे। ये दोनों आतंकी कश्मीर मूल के हैं। इनके परिवार को भी इनके आतंकी बनने की भनक तक नहीं लगी। दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी धीरे धीरे डूब रही बैंक को लेकर चर्चा की और हाल ही में एक और बैंक के बंद होने पर भी चर्चा की और सरकार से सवाल किए। दोस्तों, या तो यह सरकार अर्थव्यवस्था को चलाना और संभालना नहीं जानती है, या फिर यह सरकार अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए सिर्फ अपना और अपने करीबी कॉरपोरेट मित्रों के खजाने में पैसा डालती चली जाती है। उनकी रईसी में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। इस दिशा में वह कानून के हिसाब से भी काम करती है, यानी कानून भी एक वक्त के बाद उसका अपना हो जाता है। शुरुआत इसलिए हमको लक्ष्मी विलास बैंक से करनी चाहिए क्योंकि वहां काम करने वाले तकरीबन 3,565 कर्मचारियों के गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, क्योंकि अब ये बैंक सिंगापुर की बैंक ने अपने हाथ में ले लिया है। सिंगापुर का बैंक डीबीएस बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक दरअसल जब तक छोटे व्यापारियों को कर्ज दे रहा था, धंधा चल रहा था, जैसे ही वो बड़े खिलाड़ियों के हिस्से में गया, बैंक डूबने लगा और यह स्थिति 2017 से शुरू होती है। आपने देखा कि किसी की प्राथमिकता पाकिस्तान है और किसी की अर्थव्यवस्था, किसी की प्राथमिकता खबर पर चर्चा है और किसी की खबर के साथ तथ्यों पर भी चर्चा। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सरकार से सवाल करेगा। अब देखना ये होगा कि मीडिया कोरोना, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.